आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो जिले के गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ललपनिया कोदवा टाण निवासी फलेंद्र प्रजापति ने अपने 24 वर्षीय गर्भवती पत्नी मोनिका देवी को बीती देर रात्रि स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए लेकर आया और भर्ती कराया। फलेंद्र प्रजापति ने बताया कि पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के पश्चात वहां मौजूद नर्सों ने कहा डिलीवरी होने पर थोड़ा वक्त लगेगा। इस दौरान अगली सुबह करीब 7 बजे मोनिका देवी ने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी, तब मोनिका के पति ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर देने की बात कही। तब जाकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दिन के करीब 11 बजे बोकारो सदर भेजा गया। बीच रास्ते में महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने उसके शव को गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर रख दिया एवं दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना पाते ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिले। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथ लिया, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद की बात कही। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की जान गई है, साथ डॉक्टर की नियुक्ति होने के बावजूद भी नर्स के द्वारा प्रसव का कार्य कराया जाता है। उन्होंने इसकी सूचना उपायुक्त को दी और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं गोमिया सीओ संदीप अनुराग टोपनो, सीआई लाल मोहन दास, गोमिया थाना प्रभारी राजेश रंजन, कथारा ओपी प्रभारी प्रिंस कुमार, ललपनिया थाना प्रभारी सुबोध दास, अनुज कुमार दलबल के साथ अस्पताल में मौजूद थे। मौके पर भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति, जिप सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र राज, संदीप स्वर्ण 1 बजे इस गोमिया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए थे अपनी पत्नी को। और यहाँ पर लाने के बाद हमारा पति कंडीशन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, दर्द हो रहा था, तो वो बोले जब दिखाए तो चेकअप किए तो बोले कि नहीं ये 5 बजे सुबह तक आपके डिलीवरी हो जाएगी। तो हम बोले ठीक है, हम पूछे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पर नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं सकता है। तो फिर उसके बाद जब हम देखे 5 बजे तो नहीं हुआ, तो फिर पूछे तो बोलते नहीं अभी थोड़ा लेट है, 7 बजे तक आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो 7 बजे तक हमारा एक बेटा हुआ और उसके होने के बाद फिर कुछ देर के बाद जब बोले कि कैसी है अभी, बोले नहीं ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे तक बोले कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम पूछे तो बोलते नहीं थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रही है, थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग उसको संभाल लेंगे, कोई दिक्कत कहीं अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा जाकर थोड़ा सा डांटने उठने लगे, बोले कोई दिक्कत बोलिए हम लोग कहीं ले जाएंगे। तो बोले इतना घबराते क्यों हैं आप लोग, सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कोई नहीं हुआ तो फिर हम लोग 10:30 बजे बोलता कि नहीं आप लोग रेफर कर दीजिए, अब यहाँ से नहीं होगा तो आप ले जाइए सदर हॉस्पिटल बोकारो। तो उसके बाद हम लोग सदर हॉस्पिटल बोकारो के लिए जब 108 पे कॉल किए तो यही लोग नर्स लोग बात की, तो गाड़ी बुला दिया गया। तो 11:30 बजे हम लोग गाड़ी मिली और गाड़ी मिलने के दौरान गाड़ी ले गए, तो गाड़ी लेने के बाद आधा रास्ता में ही मेरी पत्नी का तबीयत बिगड़ने लगा। तो हम उसको बोले कि यहीं रोकिए और इधर कहीं हमारा जो जैना मोड़ के लगभग लमसम में ज़्यादा बिगड़ने लगा, बोले कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हम लोग भर्ती कर लेंगे। तो आप यहीं नहीं, हम नहीं रोक सकते हैं, हम लोग का जो ड्यूटी है हम लोग सीधे जाएंगे हमारा सदर हॉस्पिटल बोकारो, बीच में हम लोग कहीं नहीं रोक सकते। बोले कंडीशन खराब हो रहा है, तो उसके बाद इसको बोले देखा तो जब तक डेथ हो चुकी थी वो लोग देखा तो बोलता कि नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी बेहोश हुआ, बीपी लो हो गया, बेहोश हो गया। और हम चुप बोलते नहीं प्रॉब्लम कंडीशन खराब हो गया, बोलते नहीं कोई कंडीशन खराब नहीं है, अभी ये हमारा बेहोश हो गया, अभी ज्यादा ठीक हो जाएगा। फिर जब वहां तक ले गए सदर हॉस्पिटल, वहां तक बोला नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब डॉक्टर जब देखा चेक किया तो बोलता नहीं ये डेड हो गया है। मेरा नाम फलेंद्र कुमार हुआ, फलेंद्र कुमार। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा फिर आगे से होने वाला कोई किसी का पेशेंट यहाँ पर भाई बहन बहन को आए तो उसका कोई नुकसान ना हो। बच्चे का डिलीवरी डॉक्टर की उपस्थिति में हुआ या नर्स लोग की? नर्स लोग की है। डॉक्टर उस समय उपस्थित थे? नहीं उस समय नहीं थे, उस पता नहीं था, हम लोग पूछे तो बोलते नहीं हो रहा।